fun gonna your destination. Must be me time, yeah. Hi friend, हम आज जा रहे हैं मैजिका में, इंडिया का बिगेस्ट पार्क है, और एंजॉय करेंगे, आप लोगों को भी शेयर करेंगे. चलिए चलते हैं. अब हम घर से निकलते हैं, अब दिखाएंगे कहाँ से जाएंगे और कहाँ पे. तो दोस्तों अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हम, और यहाँ से दिखने भी लग गया है, आप लोग को दिख रहा होगा. देखिए अब दिखने लग गया, देखे लोग होटल दिख रहा है और मैजिका भी दिख रहा है. सुबह का 8 बज रहा है, हम लोग कुछ नाश्ता किया नहीं है, ब्रेकफास्ट करेंगे अभी. हाय दोस्तों, हम पहुंच गए हम. अब हम पहुंच गए हैं मैजिका नाम होटल में, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे. देखिए हम नज़ारा दिखा दे रहे हैं. ब्रेकफास्ट हो गया है, अब हम होटल से निकल रहे हैं. यहाँ से पास ही है, बगल में है मैजिका. टाइम हो गया है अंदर जाने के, तो हम जा रहे हैं पैदल ही. देखो यहाँ से वाटर पार्क जाने के लिए पूरा लंबा लगाया है. ये हो गया और नज़ारा अंदर घुसो तो ये सब कुछ नज़ारा देखने को मिलता है. देखिए आप लोग सिखा रहे हैं, जिसकी बदकिस्मती की अपनी दास्तान है. I'm gonna go to the bathroom.
आइफर इंडिया देखने जा रहे हैं अभी। ये आगे हम उसके सामने ही है, नंबर लगाना पड़ता है। तो चलते अंदर एंजॉय करते हैं। ये प्यारा सा गाना सुनाई दे रहा है, ये भंडार में जा रहे हैं। चलो तो सुन रहे भंडार, ये उठ नहीं सकते, वो चीता से भी फास्ट है। ये है मेगा न्यूरा, इसको मच्छर मक्खी मत समझना, जरा मार के तो देखो, हाथ टूट जाएगा। होली लुक एट हर, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेगोसॉरस, अपने बेबी को बुला रही है। क्या यकीन करोगे कि ये सिर्फ घास फूस खाती है? वो 9 मीटर लंबी है और 5 मीटर ऊंची है और इसका वजन 3000 किलो है। सोचो फिर भी इसका भेजा अखरोट से भी छोटा है। वहाँ देखो, ये क्रिप्टोडॉन है, प्री हिस्टोरिक इंसान इनके शेल से घर बनाया करते थे। गुस्सा हो गए, क्या सोचा क्रिप्टोडॉन? ऐसा डिफेंसिव बिहेवियर मैं पहली बार ऑब्जर्व कर रहा हूँ। नहीं, इसने तो नहीं किया ये सब, नहीं और कहीं का। यार ये हो सकता है हमारा मुजरिम, पर ट्राइसेरोटॉप्स तो बड़े नॉन वायलेंट होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। गोल्फ होती है और कैन्यूलम, ये हमारे एलिफेंट्स के एंसेस्टर्स हैं। देखो एलिफेंट जैसे टस्क्स भी है इसके, पर दो नहीं चार चार। उधर देखो दोनों तरफ जायंट पैरासुकस, संभाल के धीरे तोड़ना, उसने हमारी आवाज सुनी तो अटैक कर सकता है। हर वक्त भूखे रहते हैं ये पैरासुकस, ये हमारे क्रोकोडाइल्स जैसे दिखते तो हैं पर उनसे ज्यादा खतरनाक है और उनसे कई कई ज्यादा बड़े भी। ब्रैकोसॉरस मतलब बड़ी बड़ी टांगों वाला डायनासोर, पर इसकी गर्दन टांगों से भी लंबी है। दिखा रहा है जैसे इस दुनिया में डेंजर नाम की चीज ही नहीं। वो देखो एडमिंटोनिया, डेंजर सुनते ही उनकी पूंछ लाल हो जाती है। दिस यूज्ड टू बी अ राजासोरस नेस्ट बट इट्स डिस्ट्रॉयड नाउ, यहां क्या हुआ? हमारी जान को खतरा है। एबॉट, एबॉट मिशन, अगर हमें जिंदा बचना है तो अभी इसी वक्त टाइम मशीन की तरफ भागना होगा। क्विक, अप अप, कम ऑन, केयरफुल, ये वेलोसिराप्टर के लाखों शॉक से भी तेज है। क्या हो रहा है? ये गुफा मुझे बहुत खतरनाक लग रही है। और ये बदमाश डिलोपोसॉरस क्या कर रहा है? बच्चे को खाने की कोशिश कर रहा है। That was really close. मैं अभी आपसे कह सकता हूँ वहाँ से लौटने के चांसेस बहुत बहुत कम थे। ये एक्सपेरिमेंट तो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। कितनी सुंदर फिनिश, कितनी डेंजरस है वो दुनिया, यहाँ देखो खतरा। अब यकीन आया कि मैं कोई फ्रॉड नहीं पर सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट हूँ, क्योंकि इंडिया तो पूरा खतरनाक था। मेरा मोबाइल लीक किया था तो मैं बाहर से निकल गई।
पूरा भीग गए थे हम। मेरी बेटी पूरा डर रही थी, इसमें बैठ के खुश हो गई। अब तो भूख लग गई है जोर से, चलो लंच करने। इमेजिका के अंदर ही रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आ गए हैं हम लंच करने के लिए। लंच हो गया है हमारा, चलो अभी निकलते हैं। शक्ल चेंज हो गया है, पूरा धूप में घूम घूम के देखिए ऐसे ऐसे नज़ारा दिखते हैं। मेरा पानी ज़्यादा तरह ठंडा ठंडा लगता है यहाँ पर, थोड़ा बीच में रास्ता है जाने के लिए। वाह क्या नज़ारा है यहाँ पे, तो फीलिंग सी कुछ अलग है। देखने के लिए भी, फीलिंग्स करने के लिए भी बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को, तो जाने को मन नहीं करता। सो हाय दोस्तों, अब इसके अंदर तो घूमने के लिए बहुत जगह है, बहुत सारा रास्ता पड़ा है, लेकिन चलने को ताकत नहीं है। अब कहाँ पे बैठे, कहाँ पे घूमे। वाओ क्या नज़ारा है दोस्तों, इसमें बैठने के बाद ये जब चलता है ना, घूम के देखो कैसा नज़ारा, मस्त सीनेरी आता है, वाओ लगता है। जिसने भी बनाया है ना, बहुत दिमाग खर्च किया है। देखिए बीच में जैसे नदी के अंदर जाता है, और कुछ लटक के रखा हुआ है, और डिंगी जो नौका आता है ना, जो टूट के लगा हुआ है, और एक कंकाल का मुंडी पड़ा हुआ है, और कुछ सिंदूक वगैरह बक्सा पड़ा हुआ है, और सोना चांदी भी बनाया है। देखो कैसे सोना चांदी जैसा दिखता है, बहुत दिमाग लगाया है। अरे
खर्च करे पूरा थक गए हैं, हम तो घूम नहीं पा रहे हैं, राइड में बैठ के पूरा हालत खराब हो गई है। अभी तक हम और राइड सब घूमे नहीं हैं, बैठे नहीं हैं, डर लगता है। मजा आ गया लेकिन बैठ के तो। अभी तो 6:30 बज रहा है, बहुत एंजॉय कर लिया, मस्त जगह है, आप लोग भी आइए कभी घूम के जाइए। 6:30 बज रहा है, नीचे आ जाते हैं, नीचे का नज़ारा कुछ देखिए ऐसा दिख रहा है। 7 बजे आने वाला है और परेड शुरू हो जाएगा, देखने के बाद फिर निकलेंगे। Dinosaurs. I don't know how to do that again.
सो दोस्तों फाइनली हम घूम लिया है हिमाजी का। चलो हमें अब निकलते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।